सर्दियों में टूटते झड़ते बालों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया हर्बल मेहंदी। इस तरह से आप वैसे तो कोई सी भी मेहंदी ले सकते हैं, लेकिन आप हर्बल मेहंदी जो हम लेकर आए हैं वो वाली लेंगे तो आपके बाल काफ़ी हद तक जो टूट गए हैं वो भी आने लगेंगे और टूटने झड़ने से बच जाएंगे। आप भी चाहते हैं इस तरह से लंबे घने और शाइनियर हेयर, तो आप इस मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार ब्यूटी केयर और आज हम लेकर आए हैं VLCC की नेचुरल साइंस हर्बल मेहंदी। तो मेहंदी तो आप कोई से भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन ये वाली मेहंदी बहुत ही बढ़िया है। इसे मैंने खुद से इस्तेमाल किया है, बालों पर काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचता है। तो अभी इस तरह की जो मेहंदी है वो ऑफ़र में चल रही है, तो इसमें आपको बाय वन गेट वन फ्री के ऑफ़र में मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस में ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसमें आंवला, रीठा, सीकाकाई सभी मिक्स रहते हैं, तो अलग से आपको कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपके बालों के लिए ये पहुँचाती है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं नेचुरल हर्बल हिना मेहंदी, तो इससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड शाइनियर हो जाते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारे ही इंग्रेडिएंट्स दिए हैं इसमें, हिना, आंवला, रीठा, सीकाकाई और भ्रामी वगैरह सारे ही मिक्स हैं, जिससे ये आपके बालों को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाती है। तो सबसे पहले हम पेस्ट बना लेंगे, तो आप सिंपल पानी से भी इसे घुल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चाय पत्ती वाला पानी लिया है। तो एक बाउल हमने पानी लिया है और इसमें 2 चम्मच हमने चाय पत्ती ऐड की थी। और यहाँ पर हमने एलोवेरा जेल लिया है, आप यदि घर में जो फ्रेश एलोवेरा जेल है वो भी मिक्स कर सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा शाइन आती है बालों में और बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और सफ़ेद भी नहीं होते, इसलिए हमने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। तो जितनी भी हमें ज़रूरत है उतनी मेहंदी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 पैकेट इस्तेमाल किया है। तो अब हम इस पानी से मेहंदी को घोलकर पेस्ट बना लेंगे और इसे किस तरह से लगाना है वो भी हम आपको बता देंगे। और हो सके तो मेहंदी घोलने के लिए लोहे का बर्तन ही इस्तेमाल करें, तो आपके पास यदि आयरन का तवा है या फिर कढ़ाई तो उसमें आप इसे घोल कर रखें। इससे क्या होता है, मेहंदी का कलर बहुत बढ़िया आता है और आपके बालों को आयरन भी मिल जाता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, जिस तरह का हम अपने बालों पर लगाते हैं। और हमें एकदम पतला भी नहीं लगाना है, नहीं तो बालों पर ये सही तरीके से सेट नहीं होगी। तो इसे हम अच्छे से घोल लेंगे और फिर मेहंदी अपने बालों पर लगा लेंगे। वैसे तो मेहंदी सभी घोल कर लगा लेते हैं, लेकिन हर तरह से मेहंदी लगाने का भी एक तरीका होता है। तो इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके घोलते जाएंगे और इससे जो चाय वाला पानी रहता है जब हम मेहंदी घोलते हैं तो कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे हमने अच्छे से घोलकर तैयार कर लिया है और इससे पहले भी हमने मेहंदी के बहुत से वीडियो बनाकर तैयार किए हैं। तो सर्दियों में मेहंदी में क्या मिलाएं, गर्मियों में क्या मिलाएं और बारिश के टाइम मेहंदी में क्या मिलाकर लगाएं, जिससे बाल हमारे बढ़िया बने रहेंगे, तो ये सारा हमने वीडियो में बताया है। तो वीडियो आप देख सकते हैं, सारे ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और इस तरह का हमें पेस्ट बनाना है और इसमें अब हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर देंगे और फ्रेश एलोवेरा भी आप ले सकते हैं। तो बस इतना ही एलोवेरा जेल हम मिक्स करेंगे और इसे 2 घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे और इसके बाद अपने बालों पर लगाएंगे। मेहंदी से बालों को तो चमक मिलती है, साथ ही साथ हमारे बालों में ठंडक भी बनी रहती है और कलर वगैरह भी बढ़िया आता है। और यदि बाल 2 मुहे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो सारी ही समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और यदि सिंपल वाली मेहंदी ले रहे हैं तो आप आंवला पाउडर, रीठा पाउडर ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला पाउडर, रीठा पाउडर वगैरह घर में कैसे बनाए इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप बालों की सारी समस्याओं के लिए वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत से वीडियो हमने बनाकर तैयार किए हैं। तो हमने मेहंदी को इस तरह से लगाकर और बालों को नॉर्मल पानी से धुलकर साफ कर लिया है। हमें मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू नहीं करना है और जैसे ही हम बालों को धुलकर साफ करते हैं इसके बाद अच्छे से ओवर ऑयलिंग करेंगे और उसके 2 से 3 दिन बाद शैम्पू कर बाल धुलेंगे।
और यदि आपको कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तो आप एक दिन बाद बाल धुलकर शैम्पू कर सकते हैं। इससे बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, कलर बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से एक बार हर्बल मेहंदी आप ज़रूर से ट्राई करें। आपको भी ये मेहंदी बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।